एक विदेशी यूरोपियन लड़की को हिमाचल के हमीरपुर के युवा से इस कदर प्यार हुआ कि वह हर सरहद को पार करते हुए अपने परिवार सहित हमीरपुर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए आ गई। बकायदा हिंदू रीति रिवाज से मंडप सजा और सात फेरे लेकर देसी दुल्हन ने विदेशी दुल्हन को अपना बना लिया। दोनों को आशीर्वाद देने के लिए हंगरी से लड़की के माता पिता सहित दोस्तों ने भी शिरकत की और खुशी खुशी मंदिर में शादी में हिस्सा लिया। हमीरपुर के पौराणिक शिव मंदिर जसकोट में हंगरी से आई हुई लड़की योआना ने हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 के युवा सन्नी के साथ शादी समारोह का आयोजन किया। बता दें कि पिछले 6 सालों से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस तरह हिंदू रीति रिवाजों के साथ विदेशी लड़की से शादी करने की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। हंगरी से आए हुए मेहमान इंग्लिश भी ठीक से नहीं जानते और हंगरियन भाषा भी जानते हैं। ऐसे में लड़की के हिमाचली संस्कृति को पसंद करना भी दिलचस्प बात है। दूल्हे के पापा का कहना है कि हंगरी में ही दोनों की मुलाकात हुई और बेटा हंगरी में भी नौकरी करता है और आज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई जा रही है। वहीं दुल्हन के साथ आई उनकी सहेलियों ने भी शादी पर खुशी जताई और कहा कि पिछले 6 सालों से दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और आज इंडिया में आकर शादी की जा रही है। शादी में सभी हंगरी से आए हुए लोग हिमाचली शादी का खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। Yeah, I'm very happy that she's going to marry Sunny because they are a beautiful couple together and I love him both. So it's beautiful. About Indian culture, what do you like? I love it. It's very interesting, very different than our culture, but it's a very interesting experience. It's everything is new. Do anyone oppose their marriage? Your father, mother, anyone? They love Sunny also, so all the family loves him, so they are all very happy. I'm a friend of the bride. So how excited you are for this marriage? You came from Hungary especially for this marriage. Yes, I was in the Hungarian wedding too, and I'm glad I am here because it's a nice country and the wedding ceremony is very interesting for me and colorful. Yeah. How do you like the culture of Indian? This is pure Indian culture marriage. So do you like the Indian culture marriage? Yes, I like it. There are some interesting and new things for me. Okay, a lot of new things. But I like it. How is possible the connections wise and all? This is a love marriage or? Sorry. He's asking about, do you know how they meet each other and how they're going to the wedding? Do you know that? Oh, it was a long journey. Yeah. Yes, when they met first, then I met with Hannah. He spoke a lot of things about the relationship and it was a long time ago, maybe 6 years ago, so it was a long journey, but I'm happy they are married now. Shadi ye European Union se hai, Hungary se. Beta kya kaam karta hai? Beta mera job karta hai wahan pe. Kaise juda connection? कनेक्शन का तो इनको बताया बाकी इनसे पूछो आप कनेक्शन के बारे में। आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हैं। एडजस्टमेंट कर पाएगी? कर पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। घर की बजाय आपने मंदिर में शादी करना कैसे? क्योंकि ये चाहते हैं सिंपल, हर एक चीज़ पे सिंपल हो, कोई भी हो नहीं, ऐसे नहीं हो, और एरिया भी ऐसा हो जो साफ सुथरा हो, जंगल का एरिया हो, ऐसे चाहते थे ना, इसलिए। हाँ जी, यहाँ पे हिंदू रीति रिवाजों से हुई और यहाँ पे सब इनके आए हुए हैं ना, 18-20 आदमी आए हुए हमारे पास सभी। लड़की की तरफ से इनके मम्मी हैं, डैडी हैं और मासी हैं, इनके जीजा हैं, सिस्टर हैं और बाकी रिलेटिव हैं, कुछ इनके फ्रेंड हैं और मेरे बेटे के फ्रेंड हैं, कुछ दूसरी कंट्रियों के भी आए हुए हैं, 3-4 कंट्रियों के आए हुए हैं। ओके।